हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और आज हम बात करेंगे सिंपल मशीन्स के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सिंपल मशीन्स किसे कहते हैं। तो सिंपल मशीन्स वो होती हैं जो नॉन मोटराइज्ड होती हैं और फोर्स की डायरेक्शन को बदल देती हैं, वो हो गई सिंपल मशीन्स। कुछ एग्जांपल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि लीवर, पुली, इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू, वेजेस। तो ये जो सिंपल मशीन्स होती हैं, ये बेसिकली हर घर में, मतलब आप अगर कहीं आपने आसपास भी देखेंगे तो आपको दिख जाएंगी, बस आपको उसको पहचानने की ज़रूरत है। तो ये हमारे काम को बहुत ही आसान बनाती है, जो डे टू डे लाइफ है उसको काफ़ी आसान बना देती हैं। दोस्तों, आप पार्क में जब जाते होंगे तो आपने स्लाइड्स देखे होंगे, स्विंग्स देखे होंगे, सीसॉ देखा होगा, ये सारी सिंपल मशीन्स ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीसॉ को अगर कहीं हम ले लें तो जो वो बीच से उस कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बीच से वो कनेक्टेड होता है, तो जिस पार्ट पे वेट जाता है सीसॉ का उसको फलक्रम बोलते हैं। और दोनों एजेस पे आप लोग बैठते हैं तो वो उसके आर्म्स हो गए। ऐसे ही पुली का इस्तेमाल किया जाता है हैवी लिफ्टिंग के लिए, जैसे आप इसमें देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये पुली का इस्तेमाल करके हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे इंक्लाइन प्लेन का यूज़ किया जाता है टू रेस या लोअर हैवी ऑब्जेक्ट्स, वेजेस का इस्तेमाल करते हैं टू स्प्लिट थिंग्स अपार्ट, स्क्रू को इस्तेमाल करते हैं टू होल्ड थिंग्स टुगेदर, लीवर का इस्तेमाल करते हैं हैवी ऑब्जेक्ट को रेस करने के लिए, व्हील एंड एक्सल का इस्तेमाल करते हैं टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड मूव समथिंग ईजिली, गियर्स का इस्तेमाल करते हैं फोर्स रिड्यूस करने के लिए और इजिली मूव करने के लिए, हैवी ऑब्जेक्ट्स लिफ्ट करने के लिए पुली का इस्तेमाल करते हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।